हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। और देखो, आज अपन हिस्ट्री क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लेने वाले हैं हमारा अगला वंश कछवा वंश। ठीक है, कछवा वंश, ये जो कछवा वंश फैला हुआ है ना, बेसिकली ये ढूंढाल क्षेत्र होता है ना, ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा होता है, वर्तमान का जो जयपुर का क्षेत्र है ना, वो प्राचीन काल में ढूंढाड़ का क्षेत्र कहलाता था। ठीक है, ये जो बेसिकली संबंध रखता है वो कौन से क्षेत्र से रखता है, ढूंढाड़ क्षेत्र। जो वर्तमान में कौन सा है, वर्तमान में बोलते हैं इसको जयपुर का, वर्तमान जयपुर का जो क्षेत्र है ना, वो प्राचीन काल में ढूंढाड़ का क्षेत्र कहलाता था। ठीक है, और वहीं पर कौन से, कछवा वंश। ठीक है, अब कछवा वंश की अब बात आती है। कछवा वंश अपने आप को देखो, ये सूर्यवंशी आमिर अभिलेख है जो कि 1612 में लिखा गया था। आमिर अभिलेख है ना, उसमें इनको रघुवंशी कहा गया है भाई, और कुछ कुछ लोग इनको सूर्यवंशी भी बोलते हैं। आई बात समझ में, 1612 के आमिर अभिलेख में इनको क्या कहा गया, रघुवंशी कहा गया है, लेकिन कहीं कहीं इनको सूर्यवंशी बोलते हैं। और ये जो बेसिकली अपने आप को कौन, ये अपने आप को राम के पुत्र है ना, राम के जो पुत्र थे कुश, राम के दो पुत्र थे लव और कुश, तो कुछ को अपना वंशज मान, कुछ के वंशज मानते हैं, पूर्वज मानते हैं कुछ को, कुछ के वंशज कहलाते हैं, कुछ के वंशज कहलाते हैं। कुश, जैसा कि नाम से लग रहा होगा, कुश से कछवा वंश। ठीक है, अब बात आती है कि इसके संस्थापक कौन है। देखो, इनके जो संस्थापक जो कहे जाते हैं ना, वो कहे जाते हैं दूल्हे राव, जिनका एक अन्य नाम भी है तेजकरण। इनका अन्य नाम कौन सा है, तेजकरण, दुलेराव। इन्होंने अब संस्थापक हो गए, संस्थापक। अब संस्थापक करी कैसे बात, ये तो आप भाई के ठीक है, संस्थापक हो गए, अब भय कैसे ढूंढा क्षेत्र में पहले काशी जी। तो मैं बात करूँ दुलेराव की, तो दुलेराव ने रामगढ़ में तो मीणाओं को पराजित किया, रामगढ़ क्षेत्र में मीणाओं को पराजित किया, और दौसा में करौसा बड़गुजरों को पराजित, रामगढ़ में मीणा हराए और दौसा में बड़गुजर हराए, और वहाँ पर ढूंढाड़ क्षेत्र, वो पहले प्राचीन कौन सा क्षेत्र है, ये ढूंढाड़ वाला क्षेत्र है। ठीक है, रामगढ़ दौसा ढूंढाड़ क्षेत्र, तो सबसे पहली राजधानी इन्होंने जो बनाई ना, वो बनाई दौसा, और जो दूसरी राजधानी थी वो थी जमुआ रामगढ़। ये दूसरी राजधानी थी, ये पहली थी। ठीक है, आप नोट कर लें, ये पहली राजधानी है, ये दूसरी राजधानी है। दुलेराव के टाइम पर ही दो बार राजधानी चेंज हुई है, कौन कौन सी, दौसा और दूसरी थी जमुआ रामगढ़। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कछवा वंश की जो प्रथम जो राजधानी रही थी वो कौन सी थी, तो क्या कहोगे आप, तो आपको कहना है कि जो प्रथम राजधानी थी ना, वो थी कौन सी, दौसा। इसके बाद हम बात आती है इनकी कुलदेवी, इनकी आराध्य देवी। तो बेसिकली इनकी जो कुलदेवी है ना, वो है जम्बा माता, और जो आराध्य देवी है ना, वो है इनकी शीला देवी माता। ठीक है, शीला देवी माता। इनके बाद में जो अगले यहाँ के शासक बनते हैं, वो बनते हैं कोकिल देव ने राजधानी चेंज कर दी भाई, अब कौन कर दी, आमिर कर दी। और देखो, पता होगा वर्तमान, मतलब जहाँ तक ये वंश चलेगा ना, अब आमिर ही रहने वाली है, जहाँ तक ये वंश चलेगा ना, वहाँ तक अब जो राजधानी रहने वाली है ना, वो आमिर रहने वाली है, अब जो राजधानी है वो चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, अब जो अगले शासक बने फिर वो कौन थे, रामदेव थे। रामदेव ने एक विशेष निर्माण करवाया भाई, कदमी महल का निर्माण करवाया। कदमी महल क्या है, कदमी महल वो महल है जहाँ पर कछवा वंश के जो राजा, नए नए राजा बनते थे ना, तो उनको जो राजतिलक होता था ना, तो वो एक सिंहासन, जो राजतिलक वाला सिंहासन है ना, वो निश्चित होता था कि जो भी राजा बनेगा उसका जो राजतिलक है वो यहीं पर होने वाला है। तो वो जो महल है ना, कदमी महल, उसका निर्माण किसने करवाया, रामदेव ने करवाया। अब बात आती है कछवा वंश के जो कदमी महल है वो किस लिए काम आता है, या फिर पूछ लें कि जो कछवा वंश है ना, उनका राजतिलक कहाँ होता है, राजतिलक कौन से महल में होता है, तो क्या कहोगे आप, राजतिलक कहाँ होता है, उनका कदमी महल में इनका राजतिलक होता है। कोई सा भी राजा बने, हमेशा जिनका राजतिलक होगा वो कदमी महल में होगा, बेसिक याद रहेगा ना। ठीक, इनके बाद इनके पुत्र बनते हैं पृथ्वीराज कछवा ने खानवा के युद्ध में सांगा का साथ दिया। और इनके पुत्र सांगा थे। अब इन्होंने अपने पुत्र का नाम भी सांगा रखा। ठीक है, सांगा अलग अलग है, ये सांगा अलग है और ये सांगा अलग है। इनके पुत्र सांगा ने सांगानेर बसाया।
जयपुर में सांगा दे सुना है ना? जी हाँ, तो वो इनके इनके पुत्र पृथ्वी कक्षवा है ना, इनके पुत्र सांगा के नाम पर ही बसा गया। इन्होंने 12 कोटड़ी व्यवस्था करी भाई, 12 कोटड़ी व्यवस्था। अच्छा ये 12 कोटड़ी व्यवस्था है क्या, मतलब ये है कि इनके 12 पुत्र थे और इन्होंने अपने शासन अपने राज्य को 12 भागों में विभाजित कर दिया, 12 भागों में विभाजित कर दिया, 12 भागों में विभाजित कर दिया। तो ये तो होती है कौन सी, 12 कोटड़ी व्यवस्था, 12 भागों में विभाजित कर दिया। इसके बाद आते हैं ये जो सांगा है ना, सांगा इसके पुत्र सांगा, सांगा के भाई थे भारमल, भारमल, भारमल ने देखो इनको जो मेनली बात है ना वो बता दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। भारमल ने अकबर से दो बार भेंट करी, अकबर से दो बार भेंट करी, एक बार कहां पे 1556 में मजनू खां के नेतृत्व, मतलब मजनू खां के सहयोग से दिल्ली में, दूसरी बार 1562 में ये होते सब चगताई खां सांगानेर में, ठीक है। अजमेर जा रहे थे उस टाइम पे, अकबर अजमेर जा रहे थे तो रास्ते में सांगानेर में 1562 में चगताई खां के अग्रे पर इन्होंने भारमल ने 1562 में अकबर से मुलाकात करी, ठीक है। अब मुलाकात के दौरान इन्होंने क्या किया, उन्होंने कह दिया कि भाई हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं, तो भारमल ने अधीनता स्वीकार कर ली अकबर की, हो गई स्वीकार। उसके बाद में क्या होता, अब देखो प्रथम कक्षवा वंश जो किसी मुगल की अधीनता स्वीकार कर रहा है कौन, भारमल, याद रहे होगा ना, ठीक। इसके बाद में बात करते हैं, इन्होंने साथ के साथ इन्होंने अपनी पुत्री हरकूबाई का विवाह अकबर से तय कर दिया। अब देखो हरकूबाई के थोड़े नाम देख लो, हरकूबाई को ही हम जोधाबाई बोलते हैं आगे चल के, अब जोधाबाई को ही मरियम उज़्ज़ैनी बोलते हैं, तो जो तीनों नाम है ना ये हरकूबाई के, हरकूबाई कौन, भारमल की पुत्री अकबर की पत्नी। अब इनसे जो पुत्र प्राप्त होता है वो कौन है, सलीम मतलब जहांगीर, ठीक है, सलम मतलब जहांगीर। और जो ये विवाह है ना ये प्रथम मुगल और राजपूत विवाह है भाई, प्रथम मुगल राजपूत विवाह किसने किया, भारमल ने अपनी पुत्री हरकूबाई का विवाह अकबर से किया, कहाँ पर किया, ठीक है। अब देखो इसके बाद में इनके जो पुत्र बनते शासक अगले कौन, भगवंत दास भी अपने पिता के पैतृक पर चलने वाले थे भाई, इन्होंने भी क्या किया कि अपनी पुत्री, क्या नाम था उनका, मानबाई की शादी अकबर के पुत्र सलीम से तय कर दी, मतलब कर दी, ठीक है, सलीम से शादी कर दी। और शादी करने के बाद में इनसे जो पुत्र प्राप्ति हुई इनकी, वो कौन कौन पैदा हुए था, खुसरो, जिनको क्या बोलते हैं, शाहजहां बोलते हैं। लेकिन जो मानबाई है वो सलीम के व्यवहार से ना खुश थी, या हम कहें कि भाई जो सलीम है ना अच्छा व्यवहार नहीं रखा था मानबाई के साथ में, इसलिए कहा जाता है कि मानबाई ने सुसाइड कर ली, आत्महत्या इन्होंने कर ली। इनके बाद में जो अगले शासक बनते हैं ना, मानसिंह, ये गजब के शासक बने हैं भाई मानसिंह। सबसे पहले तो ये कि ये पता है 12 वर्ष की एज में ही अकबर की अधीनता अकबर के पास चले गए थे, ठीक है, 12 वर्ष में अकबर दरबार में चले गए थे, 12 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र मतलब 1562 में गए थे ये, 1500, अब इनका जन्म कितने में हुआ था, 1550 में, ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1550 में, 1562 मुगल सेवा में गए। ये दत्तक पुत्र कहे जाते हैं और अकबर ने इनको 1562 में ही फर्जंद की उपाधि दे दी, फर्जंद की उपाधि मतलब पुत्र के समान। पता हुआ क्या था, ये थोड़े देखने में बताते हैं सही नहीं थे, बाय लुकिंग थोड़े सही नहीं थे, ठीक है। तो मजाक में अकबर ने कहा कि जब भगवान के यहाँ से नूर बट रहा था तो आप कहाँ थे, ठीक है। तो अब देखो मानसिंह थोड़े वीर थे, तो इनका जवाब क्या था अकबर के लिए कि जब ये नूर बट रहा था ना तब तो मैं नहीं था, लेकिन दानशीलता और सूरवीरता बट रही थी ना वो मैं लेके आया हूँ। तो ये जो जवाब है ना ये थोड़ा इफेक्टिव लगा अकबर को, और इसी कारण पता है उन्होंने फर्जंद की उपाधि दे दी, फर्जंद मतलब पुत्र के समान मान लिया। इसके बाद में इन्होंने 1573 में करी महाराणा प्रताप से भेंट, क्यों कर किसने भेजा, अकबर ने भेजा 1573 में महाराणा प्रताप से भेंट करने, मतलब महाराणा प्रताप से अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं करी,
इसके बाद में 1576 में हल्दीघाटी युद्ध होता है। हल्दीघाटी युद्ध मानसिंह वर्सेज, हल्दीघाटी युद्ध में मानसिंह वर्सेज महाराणा प्रताप थे, पता है ना? ठीक। इसके बाद में जो इन्होंने जो मुगल सेवा करी ना 52 वर्ष तक करी। माना कि जो राजा मुगल राजा थे वो दो थे, ओनली कौन कौन? अकबर और जहांगीर। लेकिन जो एज है ना, एज है वो 52 वर्ष है भाई। मुगल सेवा 52 वर्ष, 52 वर्ष बहुत हो जाते हैं भाई। मतलब पूरा का पूरा जीवन इन्होंने मुगलों की सेवा में ही निकाल दिया। और कहा जाता है कि इन्होंने अकबर के लिए बहुत युद्ध लिए, बहुत युद्ध जीते, पूरा भारत जो कब्जे में किया था अपने में इन्होंने, इन्हीं के दम पर अकबर महान है, ठीक है, मानसिंह दम पर एक बार महान है, ऐसा कहा है। इनके बाद में मानसिंह के बाद में जो राजा बने थे ना, वो बने थे मिर्जा राजा जयसिंह। अब देखो दो बातें आप यहाँ पर याद रखना। एक तो ये कि जो सर्वाधिक समय तक जो जिन्होंने मतलब सेवा करी मुगल दरबार की वो कौन है, और सर्वाधिक राजाओं की सेवा करी वो कौन है। दो क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर, उनका आंसर है। देखो अगर बात करें वर्ष की बात करें तो 52 वर्ष तक इन्होंने करी, मानसिंह ने करी 52 वर्ष तक करी, दिख रहा है आपको। लेकिन अगर बात करें सर्वाधिक मुगल राजाओं की बात करें तो मिर्जा राजा जयसिंह आते हैं, 40 साल तक करी, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तीनों की सेवा करी। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह को जो मिर्जा की उपाधि दी गई थी ना, ये जो उपाधि थी मिर्जा राजा की उपाधि थी, 1638 में किसने दी? शाहजहां ने दी। मोस्ट क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, आप याद रखें, ठीक है। आ भी चुका है कई बार, एक तो ये आ चुका है, इसके बाद में सवाई की उपाधि ये आ चुका है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कब मिर्जा की दी गई, कब सवाई की दी गई, क्योंकि हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूजन पैदा नहीं करनी है माइंड में, जो मैं बता रहा हूँ प्रत्येक चीज़ आपको सिक्वेंस बाय सिक्वेंस नोट करनी है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट में बताता हूँ ना, वो आपको अलग से लिखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है, शाहजहां ने इनको मिर्जा राजा की उपाधि दे दी 1638 में। इसके बाद में मिर्जा राजा जयसिंह और पुरंदर की संधि होती है, किन के बीच में? मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य में। पुरंदर की संधि के में क्या कहा गया था? पुरंदर की संधि बेसिकली शिवाजी और जयसिंह के मध्य, ये तो कन्फर्म है, लिख रहा है, ठीक है। अब इसकी शर्तें क्या थी? शर्त ये थी, सबसे पहले तो शिवाजी को अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी मुगलों की, इसके बाद में अपने 23 किले मुगलों को देने पड़ेंगे, और कुछ टैक्स भी दे, मतलब कुछ कर भी दिया गया था शिवाजी के द्वारा मुगलों को, ठीक है। तो ये पुरंदर की संधि में कुछ रह गई थी, कुछ शर्तें थी, इस कुछ शर्तों का पालन हुआ था पुरंदर की संधि में, कुछ शर्तों का पालन, ठीक है। आप ये याद रखना, शर्तें मैंने बता दी थी, 23 किले दिए थे, एक अधीनता स्वीकार करी। लेकिन बाद में कहते हैं शिवाजी ने जो 23 किले दिए थे ना, वो सारे अपने कब्जे में कर लिए थे, ऐसा बताया जाता है, कर भी लिए थे। इसके बाद में उन्होंने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किया, किन्होंने? मिर्जा राजा जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किया। इसके बाद में जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं सवाई जयसिंह। सेम वही बात, सवाई की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने दी। ये जो दो चीज़ें हैं ना, उपाधि सवाई की उपाधि कौन ने दी? औरंगजेब ने दी सवाई की उपाधि। और यहाँ पर मैं बात करूँ जो मिर्जा राजा की उपाधि है ना, वो किसने दी? शाहजहां ने दी, ठीक है। दोनों चीज़ें याद रहेंगी, मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी, सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी। इसके बाद में आता है, अब देखो मिर्जा राजा ने एक युद्ध लड़ा गया था किन के मध्य में? जो मुगल एम्पायर थे ना, उनमें शासन को लेकर के युद्ध चल रहा था, ठीक है, और चलता रहा, ये तो आपको ही पता होगा। तो एक युद्ध हुआ था जाजव का युद्ध, आजम और मुअज्जम के बीच में, औरंगजेब के पुत्र थे आजम और मुअज्जम, और दोनों के मध्य में जाजव का युद्ध हुआ जून 1707 में। तो जाजव के युद्ध में जो सवाई जयसिंह सेकंड थे, इन्होंने साथ दिया आजम का, लेकिन जीता कौन? मुअज्जम, जिसको अपना अन्य नाम बताया जाता है, उसको बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, किसको? मुअज्जम को। तो मुअज्जम अपने आप को बहादुर शाह के फर्स्ट के रूप में जानते हैं, और आजम का साथ दिया था किसने? सवाई जयसिंह ने, लेकिन वो हार गया था। तो बहादुर सिंह ने जब हार गया, तो बहादुर सिंह ने जो जयपुर है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मोमिनाबाद कर दिया गया, और वहाँ का शासक है ना, वो सवाई जयसिंह सेकंड के भाई विजय सिंह को बना दिया गया, इसको राजा बना दिया गया, और नाम चेंज कर क्या कर दिया गया? मोमिनाबाद कर दिया गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है।
अब भाई जब इतना हो गया, अब युद्ध अपने, अब देखो शासन चला गया अपने भाई के हाथों, ठीक है। तो सवाई जयसिंह गए थे अजीत सिंह के पास में, मारवाड़। अजीत सिंह मारवाड़, कहाँ के हैं अजीत सिंह? मारवाड़ के, ठीक है। इनके पास में गई, भाई मेरा युद्ध, मेरा जो भी है सिंहासन है वो लौटा दो भाई, ठीक है। तो अब इन्होंने कही भाई देखो अब हम मेरे बस की बात ना भाई, ठीक है। तो अब दोनों मिलके कहाँ पे गए? अमर सिंह सैकेल के पास में, मेवाड़ के पास में। तीन बड़ी हस्ती यहाँ पर सम्मिलित हो गई हैं, ठीक है। तीन बड़ी हस्ती यहाँ पर सम्मिलित हो गई। तीनों के मध्य में जो समझौता हुआ वो देवारी समझौता हुआ। देवारी समझौते के, देवारी अब आपसे पूछे देवारी समझौता भाई किन किन के मध्य में हुआ? तो देवर समझौते में तीन जने थे। कौन कौन थे? ये तो सवाई जय सिंह, एक अजीत सिंह और एक अमर सिंह, ठीक है, याद रखना। इसके बाद में जो राजा, इसके बाद में सॉरी राजा नहीं, एक चीज़ और याद रख लेना, एक होड़ा सम्मेलन होता है। होड़ा सम्मेलन में बेसिकली ये रखा, होड़ा सम्मेलन इसलिए हुआ था क्योंकि उस टाइम पे ना मराठों, मराठे आते युद्ध करते, लूटपाट, मराठों का लूटपाट बहुत ज़्यादा था। तो मराठों से सुरक्षा करने के लिए ही होड़ा सम्मेलन का आयोजन किया 1734 को, ठीक है। होड़ा सम्मेलन हुआ 1734 को, क्यों हुआ? मराठाओं से सुरक्षा के लिए, ठीक है, ठीक। उसके बाद में सवाई जयसिंह ने 1727 में जयपुर बसाया, ठीक है। अब उसके अब थोड़े दिन बाद देखो 1776 में फर्रुख सियर ने इसको जाटों के दमन के हेतु भेज दिया गया, जाट दमन। अब जब जाट की बात आ जाती है तो भरतपुर की बात आएगी ऑब्वियसली, ठीक है। भरतपुर करौली क्षेत्र जाट क्षेत्र है। और उस टाइम पे जो जाट के जो शासन कर रहा था वो कौन कर रहे थे? चूड़ामन, भरतपुर। लेकिन कहा जाता है कि ये सक्सेस नहीं हुए थे पहली बार जब भेजे थे ना, तो इन्होंने देखो थुणके किले तो घेर तो लिया था इन्होंने, भरतपुर में पड़ता है थूण का दुर्ग या थूण का किला बोलते हैं, ये घेर तो लिया था। लेकिन चूड़ामन और उसके पुत्र मोकम ने पीछे से आकर के, ठीक है, इसको वापस, जैसे ये दुर्ग है कोई, ये दुर्ग है, दुर्ग को इन्होंने घेरा, ठीक है। लेकिन बाद में चूड़ामन और मोकम ने पीछे से किसको? सवाई जयसिंह को घेर लिया और इसको वापस जाने के लिए विवश कर दिया गया, लौट गए। अब यहाँ पर जब ये लौट गए तो 1718 में 17 फर्रुख सियर ने फिर किसको भेजा? मुजफ्फर शाह को भेजा। और जब मुजफ्फर शाह को भेजा ना, तो चूड़ामन आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो गया, और यहाँ पर चूड़ामन की हत्या भी हो जाती है। इसके बाद में 1722 में सवाई जयसिंह सेकंड को दोबारा भेजा। तो इन्होंने थूणके किले को बर्बाद कर दिया, साथ में मोकम की भी हत्या कर दी, और जो बदन सिंह है ना, और उनको भरतपुर का शासक बना दिया गया, और बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दे दी गई। अब बात आती है बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि किसने दी? तो क्या कहेंगे आप? सवाई जयसिंह ने दी। और सवाई जयसिंह को सवाल की, और सवाई की उपाधि किसने दी? तो क्या कहोगे आप? औरंगजेब ने की। इनकी लास्ट में 1743 को रक्त विकार से मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब एक दो शासक और है वो देख लेते हैं जल्दी से। हाँ जी, तो हमारी बात हो गई थी सवाई जयसिंह द्वितीय तक की, है ना। हमने सवाई जयसिंह द्वितीय तक की बात कर ली थी, सवाई जयसिंह द्वितीय, ये है सवाई जयसिंह द्वितीय, यहाँ तक की बात हो गई थी। मैंने बताया था कि देखो जब इनका राज इनके हाथ से चला गया था ना, इनके भाई को दे दिया गया। कुछ नहीं दिया था बहादुर शाह प्रथम ने दिया था इनके भाई के लिए, ठीक है। जब इनको भाई को दे दिया तो ये किन के पास में गए? माधो, ये गए सबसे पहले कहाँ पे? अमर सिंह मेवाड़, और फिर अजीत सिंह मारवाड़, है ना। अब भाई देखो मेवाड़ के अमर सिंह ने इनकी हेल्प करने की कह तो दी, लेकिन पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपकी मदद कर देंगे भाई, कोई दिक्कत ना है, पर भाई आपको हमारी लड़की से शादी करनी पड़ेगी। तो देखो ठीक है साहब, जाके शर्त तो तैयार है। और फिर कहा गई दूसरी बात, ये कही गई कि भाई हमारा जो पुत्र होगा ना, मतलब पुत्री का पुत्र होगा वो राजा बनेगा, चंद्रकुमारी का पुत्र है वो राजा बनेगा। ये बात तो मान ली साहब, ठीक है। लेकिन जब इधर साहब अजीत सिंह ने अपनी पुत्री सूरज कुमारी की शादी कर दी आते, ठीक है, तो दोनों की शादी आ गई जय सिंह सेकंड थे। लेकिन ये डील किसने रखी? डील रखी थी माधो सिंह की माते या माधो सिंह के नाना जी ने, है ना। लेकिन अब जब इन सब चंद्रकुमारी से पैदा हुआ कौन, माधो सिंह, और सूरज कुमारी से पैदा हुआ कौन, ईश्वर सिंह, लेकिन इनमें बड़ा कौन था? पहले कौन आया? ईश्वर सिंह आया। तो बड़ा कौन रहा? ईश्वर सिंह रहा। तो ईश्वर सिंह बड़ा था, तो भाई फर्ज के मुताबिक जो बड़ा पुत्र होता है वो राजा बनता है। तो इन्होंने भी सेम वही किया, ईश्वर सिंह को राजा बना दिया। अब जब ईश्वर सिंह राजा बन गए
ईश्वर सिंह राजा बन गए तो सीधी सी बात है भाई, युद्ध करेगा भाई माधो सिंह, क्योंकि माधो सिंह से तो ये बात कही गई थी कि तुम पैदा होंगे तो हमारी पुत्री का जो पुत्र बनेगा वही हमारा राजा बनेगा, ये वाली बात कही गई है ना, तो वो तो युद्ध करेगा, जाहिर सी बात है। तो माधो सिंह ने युद्ध किया, राजमहल का युद्ध हुआ, राज किस किस के मध्य में, ईश्वर सिंह और वर्सेज माधो सिंह, और माधो सिंह ने किसकी मदद करी, किसने माधो सिंह की जो मदद ली माधो सिंह ने वो किन की ली, मराठाओं की मदद से, जब मराठाओं की मदद ली, लेकिन इसमें ईश्वर सिंह विजयी रहे, ये फिर भी पराजित हो गए। इनके टाइम पर मराठाओं का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, तो मराठाओं से परेशान होकर के देखो इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली, क्योंकि देखो अब जब ये यहाँ पे ये जो जीते थे ना, जब राजमहल का युद्ध जीते थे तो राजमहल युद्ध के जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने इसलाट का निर्माण करवा दिया, इसलाट जयपुर में है, ठीक है, निर्माण करवा दिया, लेकिन मराठाओं से परेशान होकर के इन्होंने इसलाट से कूद करके आत्महत्या कर ली। मराठा राव होलकर का दबाव था इसलिए इन्होंने आत्महत्या कर ली। प्रथम ऐसा राजा है ये कछवाहा वंश का जिन्होंने आत्महत्या किया, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में हमारे जो अगले जो शासक आते हैं वो आते हैं कौन, माधो सिंह आते हैं। देखो तो माधो सिंह ने एक युद्ध लड़ा जिसको बोलते हैं काकोड़ का युद्ध, कब लड़ा, 1759 को लड़ा। 1759 में किन के विरुद्ध लड़ा था, ये लड़ा था मराठाओं के विरुद्ध, और इसमें कहा जाता है कि भाई 5000 से ज़्यादा मराठाओं को कत्लेआम कर दिया था इन्होंने। मराठाओं से बहुत परेशान थे भाई ये, जब आदमी परेशान हो जाता है ना तो कुछ भी कर लेता है, ठीक है। तो मराठाओं से परेशान होकर के इन्होंने क्या किया, काकोड़ा का युद्ध में विजयी रहे और मराठाओं 5000 मराठाओं को इन्होंने कत्लेआम कर दिया। इसके बाद में इनका एक युद्ध है बटवाड़ा का युद्ध बोलते हैं। बटवाड़ा का युद्ध किस में 1761 में हुआ था, किसके विरुद्ध हुआ था, ये हुआ था शत्रु साल कोटा, जिसमें ये पराजित हो गए थे, है ना। इन्होंने 1763 में सवाई माधोपुर नगर बसाया, याद रखना 1763 सवाई माधोपुर नगर। इनके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं सवाई प्रताप सिंह। कौन बनते हैं अगले शासक बनते हैं सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में गंधर्वबाईसी थी। गंधर्वबाईसी क्या होती है, गंधर्वबाईसी मतलब 22 के सिक्वेंस में सारी सारी चीज़ें थी। कैसे, 22 ज्योतिष थे, 22 संगीतकार थे और 22 ही साहित्यकार थे। तो इनके समय की गंधर्वबाईसी क्वेश्चन आ चुका है और आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंधर्वबाईसी किससे संबंधित है, किस शासक से संबंधित है, तो क्या कहोगे, सवाई प्रताप सिंह से संबंधित है, इसको सर प्रताप भी बोलते हैं। इन्होंने जो उपाधि धारण करी वो ब्रजनिधि की उपाधिधारी, ब्रजराज की बदन सिंह ने करी है, ब्रजराज की बदन सिंह ने, और ब्रजनिधि की किन्होंने करी, सवाई प्रताप सिंह ने करी। इन्होंने हवा महल का भी निर्माण करवाया। इसके बाद शासक बनते कौन, सवाई जगत सिंह सेकंड राजा बनते हैं। सवाई जगत सेकंड को बदनाम शासक कहा जाता है, जयपुर का बदनाम शासक कौन, सवाई जगत सिंह सेकंड। क्यों, क्योंकि इनके जो संबंध थे ना, एक रसकपुर नाम की एक गढ़िका थी उनसे इनके संबंध थे, इसलिए इनको जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है। इन्होंने 1808 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली, क्योंकि ये भी मराठाओं से परेशान थे, तो मराठाओं से इनको चाहिए थी सुरक्षा, और सुरक्षा कौन कर रहे थे उस टाइम पे, सुरक्षा का ढोल बजा रखा ना वो अंग्रेजों ने बजा रखा था, ठीक है, उस टाइम पे। तो इन्होंने 1818 में अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे संधि कर ली, क्यों, क्योंकि उनको मराठाओं से सुरक्षा चाहिए थी। इसके बाद में जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं सवाई राम सिंह सेकंड। कहते हैं कि 16 माह की आयु में शासक बन गए, मतलब छोटे थे तो अंग्रेजों को भाई अच्छा मौका मिल गया तो अंग्रेजों ने कछवाहा वंश को अपने अधीन कर लिया। और जो संरक्षक थे तो इसके संरक्षक कौन बन गए, जॉन लुडलो को संरक्षक किसका कहा जाता है, राम सिंह सेकंड का। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 16 माह की उम्र में ही राजा बन गए थे, ठीक है। अब देखो जॉन लुडलो का एक काम अच्छा था, इन्होंने सती प्रथा को बंद करवा दिया, दहेज प्रथा को बंद करवा दिया, साथ में कन्याबद्ध को भी बंद करवाया। जॉन लुडलो ने संरक्षक के तौर पर ये अच्छे काम किए, तीनों के तीनों काम अच्छे हैं। 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों की सहायता करी भाई, राम सिंह सेकंड, सीधी सी बात है, अंग्रेजों की सपोर्ट करेंगे तो अंग्रेज भाई उपाधि देने में तो माहिर थे, तो उपाधि दे दी।
कौन सी उपाधि सितार ए हिंद की उपाधि दी, किस क्यों दी, क्योंकि 1857 में इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की। इसके बाद में इनकी कुछ इन्होंने कुछ काम करिए वो हैं, इन्होंने रामप्रकाश थिएटर का निर्माण करवाया, अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया, अल्बर्ट आगमन पर इन्होंने पूरे जयपुर को गेरुआ रंग से रंगवा दिया, पूरे जयपुर को गेरुआ रंग से रंगवाया, अल्बर्ट हॉल का निर्माण किया, और इसीलिए पिंक सिटी कहा जाता है। पिंक सिटी कहा जाता है किसको, जयपुर को। अल्बर्ट कौन थे, प्रिंस ऑफ वेल्स, वेल्स के राजकुमार थे अल्बर्ट। इसके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं कौन, माधो सिंह सेकंड बनते हैं। माधो सिंह सेकंड ने नाहरगढ़ में नौ एक समान महल बनवाए। नाहरगढ़ के नौ एक समान महलों का अगर निर्माता कोई कहा जाएगा या किसके शासनकाल में बनवाया, किसने बनवाया, तो क्या कहेंगे आप, किसने बनवाए, माधो सिंह सेकंड ने बनवाए। क्यों बनवाए, क्योंकि इनकी नौ पासवान थी, तो प्रत्येक पासवान के लिए अलग अलग चाहिए था, इसीलिए इन्होंने क्या बनवाए, नौ समान महल बनवा दिए। ठीक है, ये अल्बर्ट सप्तम के राज्याभिषेक पर लंदन गए थे, अल्बर्ट सप्तम का राज्याभिषेक हो रहा था उस टाइम पर, ये कहाँ गए थे, लंदन गए थे, और भाई अपने संग दो बड़े बड़े चांदी के पात्र ले गए। ठीक है, चांदी के बड़े बड़े पात्र ले गए। इसके बाद में इन्होंने मुबारक महल का निर्माण करवाया। मुबारक महल दरअसल अतिथि महल है, जहाँ पर अतिथियों को रोका जाता है, और ये मुबारक महल है ना तीन शैलियों से बना हुआ, तीनों शैलियों का एक रूप है। कौन कौन सी शैली, देखो हिंदू शैली भी, मुस्लिम शैली भी, और ईसाई शैली भी, तीनों शैलियों का एक रूप है कौन, मुबारक महल। मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था, माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। इसके बाद में बात अंतिम जो हमारे शासक होते हैं वो कौन है, सवाई मान सिंह सेकंड। सवाई मान सिंह सेकंड को पोलो का पेले कहा जाता है, पोलो का पेले, मतलब क्यों कहा जाता है पोलो का पेले, क्योंकि ये पोलो के है ना विश्व स्तरीय खिलाड़ी थे, पोलो के विश्व स्तरीय खिलाड़ी होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है, पोलो का पेले कहा जाता है। इनकी जो पत्नी थी वो कौन थी, गायत्री देवी थी, और गायत्री देवी भारत की प्रथम महिला सांसद है, भारत की प्रथम महिला सांसद गायत्री देवी। गायत्री देवी किसकी पत्नी थी, मान सिंह सेकंड की पत्नी थी। इसके बाद में इनको स्पेन का राजदूत भी, स्पेन में इंडिया का राजदूत, भारत का राजदूत, ठीक है, स्पेन में भारत का राजदूत के तौर पर भी इनको नियुक्ति दी जा चुकी थी। देखो 30 मार्च 1949 को ब्रज राजस्थान के राज्य प्रमुख इनको नियुक्त किया गया। 30 मार्च 1949 को ब्रज राजस्थान के राज प्रमुख बनाया गया, लेकिन राज प्रमुख का पद है ना वो 1 नवंबर 1956 को समाप्त हो गया। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त हो गया, और राज्य प्रमुख का जो पद है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, राज्यपाल के रूप में। ठीक है, तो ये था आपका कक्षवा भंश, यहां पर हो जाता दी एंड। तो देखो ये था आपका कक्षवा भंश। ठीक है, तो देखो हमारी हिस्ट्री की जो सीरीज में चलने वाली है, एक शॉट में आपको एक जो राजवंश है वो क्लियर कराएंगे, इसके बाद में गिने चुने दो चार राजवंश और रह गए होंगे, तो हिस्ट्री आपकी दो चार लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी आई थिंक। ठीक है, इसके बाद में 1857 की क्रांति होगी, एकीकरण होगी, जहाँ से एक एक क्वेश्चन आता है कन्फर्म है, तो वो ले लेंगे। इसके बाद में आंदोलन ले लेंगे, थोड़े बहुत आंदोलन एक दिन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट में करना है आपको जो भी है, क्योंकि आपको उतना पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आए, फालतू का पढ़ने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं आपके लिए। ठीक है, तो देखो सारी वीडियोज़ को देखो, नोट डाउन करो, रिविज़न करो, जो पॉइंट मैं बताता हूँ एक्स्ट्रा वो आप लोग नोट करो। पता है आप लोग यही, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो पहले आप वीडियो एक बार देख लिया करें पूरी, इसके बाद जब दोबारा जब आप देखा करें ना तब आप नोट कर लिया करें, इससे क्या है कि आपको क्लियरिटी मिलेगी और आप लिखें अब सही तरह से लिख भी पाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर जो मैंने लिखा ये कीवर्ड्स के तौर पर लिख रहा हूँ मैं, कीवर्ड्स एज ए कीवर्ड्स आपको समझने में मुश्किल हो सकती है, आप ऐसे ना लिखें, अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे लिख के तो आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, इसी के साथ साथ देखो हमारी जो आपकी जो शैक्षिक जो अभिरुचि है उसके जो क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है वो देखते रहें, क्योंकि 50 नंबर का मैटर है और जितने आप ले लाओगे उतना अच्छा रहेगा। इसके बाद मैंने जो क्वेश्चन करा दिए हैं, मैंने रीजनिंग की जो सीरीज चल रही थी हमारी, रीजनिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, वो चली रही है, वहाँ से आप रीजनिंग को क्लियर कर सकते हैं। देखो रीजनिंग मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तौर पर क्यों करा रहा हूँ उसका रीजन मैं हर बार बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा ना क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं तब तक आप कैसे कर पाओगे क्लियर क्वेश्चन को। तो हमारा मतलब है कि आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो आपको, ठीक है, आपके अच्छे खासे नंबर आए। ठीक है, तो गारंटी है कि आप अगर यहाँ से पढ़ोगे ना तो 400+ तो नंबर आने ये तो निश्चित है। इसके बाद में हमारे देखो यहाँ से
कल अगली जो वीडियो बनेगी वो अगले राजभवन साथ हम मिलते हैं, ठीक है। जितना हो सके अपने फ्रेंड लोगों को बोलो, आपके जो मित्रगण हैं जो एसटीसी की तैयारी आपके साथ कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दो, ठीक है, और स्वस्थ रहो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक, धन्यवाद।